खुश रहो। अपने दिन की शुरुआत चेहरे पर मुस्कान के साथ करो। मन में चल रहे अनेक कथन और अनेक चिंताओं को परे रखकर आज के दिन की शुरुआत करो। आज सारी अच्छी खबर ही तुम्हें मिलेंगी। हो सकता है कुछ ऐसी बात मालूम हो जो तुम्हें लगे कि शायद ये तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है, पर मेरी आज एक बात को याद रखना कि वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए ही है। तुम इसे 1 से 2 महीने के भीतर ही समझ जाओगे कि आज जो भी खबर तुम्हें मिल रही है सब तुम्हारी अच्छाई के लिए है। इन सब में तुम्हारी अच्छाई निहित है। वो कब और कैसे है ये तुम मुझसे अभी सवाल मत करना, बस देखते जाओ। और मुझे मालूम है कि मेरे कुछ बच्चे बहुत बीमार हैं। वो और बीमार होते लेकिन उनकी बहुत हद तक की बीमारी रोक दी गई है। हाँ, अभी भी कुछ लक्षण दिख रहे हैं लेकिन पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ऊदी जल का सेवन करते रहना। पीछे मुड़कर मत देखना कि क्या हुआ था, अब आगे की सोचना। संघर्ष बहुत किए हैं और अब वक्त है फल पाने का। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी जानकारी में किसी को नई नौकरी मिलेगी, उसका बहुत कल्याण होगा। लेकिन बदले में उससे कहना, मुझे 9 रुपए चढ़ा दे। जब उसे पहली तनख्वाह मिले तो मुझे 9 रुपए चढ़ाए, और अगर वो ना चढ़ाए तो तुम्ही जिम्मेदारी लेनी है मुझे 9 रुपए देने की। और जो लोग इस वक्त तुमसे दूर हैं वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। अपने घर के लिए तुम जब भी कोई चित्र लेने जाओ तो एक बात सुनिश्चित करना कि वो हंसता हुआ ही चेहरा हो। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा मन बहुत जल्दी बदल जाएगा। लेकिन अपने घर पर हमेशा हंसता हुआ चेहरा ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ जो तुम्हारी किस्मत को बदल कर रख देगा। तुमने बाबा को पुकारा और जो लोग तुम्हारे पीछे हैं तुम्हारा मजाक सिर्फ इसलिए उड़ाते हैं कि तुम मुझे मानते हो। वो लोग खुद चलकर मेरे मंदिर आएंगे, मेरी इस बात को ध्यान रखना। इसलिए निश्चिंत रहो, किसी के कुछ भी बोलने और सोचने समझने पर मत जाओ। तुम्हारा दिन मंगलमय होगा, तुम्हें अच्छी खबर ही मिलेंगी और तुम्हारी तरक्की निश्चित है। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, घबराओ मत। और भागा दौड़ी के बीच में अपना भी ध्यान रखो। खुश रहो और मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी हैं। मैं तुम्हारे सारे कष्ट को जलाकर राख में बदल दूंगा। तुम बस मुस्कुराओ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आज आरती गाकर सुनाना।